जम्मू के बिजालता क्षेत्र में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें एक बच्चे की मौत हुई है और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बिजालता में स्कूल जा रहे तीन बच्चे ट्रेन के आने से घबराकर रेलवे ट्रैक के पुल से नीचे गिर गए। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन बच्चे घायल हो गए। हादसे का पता चलते ही आसपास के लोगों और रेलवे पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच के इस हादसे में घायल हुए बच्चों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में घायल हुए बच्चों की पहचान 6 वर्षीय आलिया फातिमा, 12 वर्षीय मोहिद्दीन और 11 वर्षीय हादिया फातिमा निवासी बजालता के रूप में हुई है, जिसमें आलिया और मोहिद्दीन का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि हादिया को बचाया नहीं जा सका है। वहीं पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सर, बच्चे स्कूल जा रहे थे, पहले आगे 3 बच्चे थे, 1 लड़का 2 लड़कियाँ थी, तो पीछे 4 थे, वो पुलिस वालों ने मोड़ दिए, मतलब दौड़े और दौड़ के उनको वापस किया, तो उनके पीछे भी दौड़े, सीटियाँ भी मार रहे थे, पर वो तब तक ट्रेन निकल गई, ट्रेन निकली तो उन्होंने छलांगें दे दी। तो एक उसके बाद वो बच्चे तीनों बच्चों ने छलांग मार दी। वो बत्रा ले गए, बत्रा में उधर डॉक्टर मौजूद नहीं था, मेरे बेटे ने उठाया था, पहले जो बच्ची उठाई तो मेरे बेटे ने उठाई, तो उस वक्त वो उसने आँखें परत दी थी, मतलब कि आँखें पलटा खा गई थी, बच्ची खत्म ही हलाया उसको थोड़ा सा, हलाने के बाद देखा तो नहीं है, एक बार उसने हाय का दर्द महसूस की, उसके बाद वो बोली नहीं है।